नमस्कार, नष्टबेट सेवेन को स्वागत करुच्ची धर्मदत्त। प्रथम हेडलाइंस, दूर हम ऑक्सीजन संकट, पीएम केयर्स फंड में विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्र में या 551 प्लांट घोषणा कले प्रधानमंत्री कार्यालय, पूर्व घोषित होता 162 प्लांट। दिल्ली में थमुनी कोरोना राज, पुणी एक सप्ताह बढ़ला लॉकडाउन, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कले घोषणा, लागू रहिबो पूर्व निर्धारित समस्त कटकणा, सतर्क रहिबा लागि परामर्श। टीका को नहीं उत्साह आशंका, दर वृद्धि को नहीं बढ़ला राजनीति, यूनिफर्म दर लागि बीजेडी दाबी, अर्थर सदुपयोग बीजेपी देला परामर्श, सेपटे उभय सरकार को टार्गेट कला कांग्रेस। कोरोनार लहर पर लहर, गत वर्षर आर्थिक विभीषिका पर पुणी घटलानी दुर्दिन, व्यापक क्षति सहीपे ओडिशा, बीजेडी कहला कल्पना बाहर, सेपटे राज्य सरकार को विरोधी टार्गेट। कोरोनार जबरदस्त मुकाबला, सप्ताहत सटडाउन सेकेंड डे बंद था राज्यर समस्त सहरांचल दोकान बजार, व्यवसाय प्रतिष्ठान ताला, विभिन्न स्थान में चेकिंग और ब्लकिंग। स्वर्गद्वार लागू होगा कटका, कालीठू जिला बाहर लोकं शेषकृत मना, कोविड रोगी शव सत्कार स्वतंत्र व्यवस्था, अस्थि विसर्जन लगला जिला प्रशासन कटक। राज्य में थमुनी वन्यप्राणी चोराचालाण, राकेट दुई अभियुक्त गोटे बाघछाल सह दुईट हाथी दांत जबत कला स्पेशल टास्कफोर्स, स्पेशल ट्रैकिंग फोर्स कार्यकारी करने दावी। आसवा संपूर्ण खबर को, देश में चिंता बढ़ाई ऑक्सीजन संकट, घाइला हेलेनी देशवासी, सेपटे देश में ऑक्सीजन समस्या दूर लगे पदक्षेप नहीं केंद्र सरकार। देश में विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्र में 551 उत्सर्गीकृत प्रेशर स्विंग अडॉप्शन बा पीएसएस मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट प्रतिष्ठा करने को केन्द्र घोषणा करी। सेपटे मन की बात देशवासी को आश्वासना दे प्रधानमंत्री। देश में दूर हम ऑक्सीजन समस्या, सबु जिले में प्रतिष्ठा हम 551 प्लांट, देशर विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्र में उत्सर्गीकृत प्रेशर स्विंग अडॉप्शन बा पीएसएस मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट, देशर प्राय समस्त हॉस्पिटल रे ऑक्सीजन समस्या परिप्रेक्षी में केन्द्र सरकार नहीं बड़ निष्पत्ति। प्रधानमंत्री कार्यालय सूत्र प्रकाश, देशर ऑक्सीजन संकट दूर लगी तुरंत यह प्लांट प्रतिष्ठा हम और पीएम केयर्स फंड अर्थ प्रदान कर जिला मुख्यालय समेत अन्यान्य गुरुत्वपूर्ण स्थान में प्लांट सब प्रतिष्ठा हम। ए व्यवस्था लगी पीएम केयर फंड पक्ष 201,58,00,000 टंका प्रदान करेर विभिन्न हॉस्पिटल रे ऑक्सीजन संकट जो रोगी मैंने प्राण हरा बेले प्रधानमंत्री को पदक्षेप सहायक हम बोली कहा जाउछि। एक साल में उन्हें इस बीमारी को लेकर हर तरह के अनुभव भी हुए हैं। हमारे साथ इस समय मुंबई से प्रसिद्ध डॉक्टर शशांक जोशी जी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर शशांक जी को कोरोना के इलाज और इससे जुड़ी रिसर्च का बहुत देशवासियों को संबोधित करिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 76वां मन की बात रे से कोविड रो द्वितीय लहर रो मुकाबला लागि आह्वान देइछंती। मुकाबला दिगरे केंद्र सर्वदा देशवासियों पर अच्छी बोली कहते पीएम। यह सह से कोविड योद्धा मानक आलोचना करी सेमानक मनोबल को दृढ़ करने को कहते एने स्वास्थ्यकर्मी मानक आलोचना करी मोदी। कोरोना द्वितीय लहर मध्य लड़ई जारी रखिवर कोरोना योद्धा को प्रशंसा करी प्रधानमंत्री मोदी। यह महामारी प्राण हर आक्रांत पर प्रति मन की बात मध्यम समबेदना जनई विभिन्न राज्य में देखाई ऑक्सीजन संकट प्रसंगे मत रखी। एक साल में उन्हें इस बीमारी को लेकर हर तरह के अनुभव भी हुए हैं। हमारे साथ इस समय मुंबई से प्रसिद्ध डॉक्टर शशांक जोशी जी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर शशांक जी को कोरोना के इलाज और इससे जुड़ी रिसर्च का बहुत जमीनी अनुभव है। वो इंडियन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस के डीन भी रह चुके हैं। आइए बात करते हैं डॉक्टर शशांक से। नमस्कार डॉक्टर शशांक जी। नमस्कार सर। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे आपसे बात करने का अवसर मिला था। आपके विचारों की स्पष्टता मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मुझे लगा देश के सभी नागरिकों को आपके विचार जानने चाहिए।
दिनकु दिन बढ़ुची कोरोना काया सेपटे प्रतिकार लगी संग्राम करुछंती केंद्र सरकार ब्यूरो रिपोर्ट एमबीसी न्यूज। अठर रु पैंचाश वर्ष बयस मध्यरे टीकाकरण को नहीं गोटेपटे उत्साह देखादेता बेले अंपटे टीका दर को नहीं बढ़ी चिंता। कोरोना स्थित में टीका दर वृद्धि राज्यगुड़िक अधिक चाप पड़े तेणु केन्द्र सरकार यूनिफर्म रेट खर्च बहन करने को बीजेडी कही सेपटे राज्य पाखे आवश्यक अर्थ अच्छी जहाक विनियोग बीजेपी कही कांग्रेस कहवा कथा उभय सरकार लोक मागणारे टीका दिंतु। टीका दर को नहीं बढ़ी चिंता। अठर वर्ष ऊर्ध व्यक्ति टीका नेबा निष्पत्ति जेतिकी खुशी देखिला एबे टीका दर सेतिकी निराशा सृष्टि करिछि। एहाकु नै राजनीति भी जोर धरिछि। एहा चिंताजनक विषय बोली कहिछि बीजेडी। कोविशील्ड परी कोवैक्सीन दर हेबो बोली समस्ते भाविथिबा बीजेडी कहिछि हेले एहा बहुत बढ़िछि। कोविड टीका किणवे एते खर्च हेले स्वास्थ्य भित्तिभूमि विकास हेबो केमिति बोली बीजेडी प्रश्न करिछि। जहां पाखरे टंका अछि से किणिपारे केन्द्र सरकार यूनिफर्म रेट रे किणी समस्त खर्च बहन कले। राज्य सरकार स्वास्थ्य भित्तिभूमि विकास करिपारे राज्य सरकार को उपरे आर्थिक बोझ न पकांतु बोली कहिछंती बीजेडी सांसद अमर पटनायक। एपरिकि देशर श्रेष्ठ 20 जन धनी और अन्य धनिक श्रेणीर लोकंक वर्तमान परिस्थिति रे टीका और कोविड जनित समस्या को आखि आगे रखि सहयोग रो हात बढ़ेबाकु अपील करिछंती अमर। जो भाविथिलु कि कोवैक्सीन सरकार आईसीएमआर द्वारा एटा प्रमोटेड तो टिके कम हम कि आम देखु कि आहरी बढ़ी दिखाई बहुत बहुत चिंताजनक कहीं राज्य मानते जो संबल अच्छी तापर ये आहरी प्रेसर पक राज्य एक्चुअली कोविड को मुकामिला से निज स्तर करेल्थ इनफ्रास्ट्रक्चर आम पाखे जहाँ अच्छी ताप जिते पैसा करले भी सांगे सांगे इम्प्रूव कर संभव नुह तेणु यू कोविड वैक्सीन किणवाई जो पैसाटा से भाया जीव से राज्य सरकार मैंने इनफ्रास्ट्रक्चर को बढ़े कमी। सेपटे राज्य सरकार मागणारे टीका दियंतु बोली दावी करिछि बीजेपी। राज्य निकटरे आवश्यक पांठि अछि तेणु एहाकु विनियोग करि टीकाकरण करबाकु दावी करिछि दल किंतु टीका प्रस्तुतकारी कंपनी को उपरे शीघ्र अधिक टीका पाई चाप पड़ुछि तेणु दर बढ़ुछि बोली कहिछन्ति बीजेडी संपादक लेखाश्री सामंत सिंहर। सेपटे टीका दर अत्यधिक हेले छात्र छात्री गरीब मध्यवित्त लोके केउठु टंका आणिबे बोली प्रश्न करिछि कांग्रेस। तुरंत यह प्रत्याहार करा जो बोली दावी करिछन्ति कांग्रेस विधायक सुरेश राउतराय। राज्य सरकार को पाखरे विभिन्न सोर्स रु पर्याप्त पैसा अच्छी डीएमएफ फंड अच्छी अन्यान्य सोर्स रु अच्छी भी चाहिले से डाइवर्ट करके दे पारे। राज्य सरकार भी हेल्थ होची गोटे स्टेट सब्जेक्ट तेणुकरी हेल्थ को प्रायोरिटी बेसिस रे राज्य सरकार नियंतु। नवीन बाबू हाथ रु तुम दौ जदि मोदी दौनी ता डा बुड़ा तुम डा अच्छी एपर्त बुड़ी ये पिला तुम बाप को दे मगणारे पिला दब 3000 नहीं कि 2800 नहीं कि ये प्रोत्साहन कर तुम अगर हेल्थ रू आणिक मेकअप कर मगणा टीका दि। करोनार भयंकर स्थित में टीका एकमात्र संजीवनी बोली कहा बेले सेपटे बजार में उपलब्ध टीकार एते दर चिंतार कारण साजिश। भुवनेश्वर सरोज मल्लिक रिपोर्ट एमबीसी न्यूज। कोरोनार प्रथम लहर में भांगिता गतवर्षर अर्थनीति आए द्वितीय लहर में मध्य भयंकर स्थिति हाबाकू जाउछि। वर्तमान सारा देश में सटडाउन और लॉकडाउन चलला एथर देशर 1.5 लाख कोटी सहवाकू जाता बेले ओडिशा मध्य व्यापक क्षति सह एक आकलन होने राजनीति जोर झड़ी क्षति केते हेबो ता कल्पनार बाहर बोली बीजेडी कहता बेले राज्य सरकार त्रुटिपूर्ण निष्पत्ति और दूरदर्शिता अभाव बोली बीजेपी कही। करोनार प्रथम माड़े घाइला हेला देश और राज्यर राजनीति भुशुड़ी जाइथिला स्थिति एबे पुणी थरे सटडाउन लॉकडाउन जोगु दाना बांधिलानी आशंका। एहाद्वारा देश और राज्य हजार हजार कोटी क्षति सहिबे बोली आकलन करा जाइथिया बेले शासक दल मध्य अर्थनीति को नहीं चिंता प्रकट करिछि। एबे जो सिचुएशन आरंभ होइछि सेतिरे केते हबो इकोनॉमिक लॉस सेटा को असेस करिबा संभव नु जो इकोनॉमी फेब्रुवरी मासरे बढ़ी आसला ऑलमोस्ट पुराना स्टेज को आसला बोली आम समस्त आकलन करुले सही अवस्था पुणी थर पुराना हस्त को खसीगला
मते लागुची कि जो परिवार टिके निजो को पुनथरे एस्टाब्लिश करि आस्थिले सेने पुनि थरे बडो सम्मुखिन दुर्दशार सम्मुखिन हबे एही समय रे कहिबा कि केते लॉस हबो डिफिकल्ट किंतु तार प्रभाव निश्चय पड़ी तबड़े वर्तमान कोरोना स्थिति जटिल हेउथिले मध्य हठात लॉकडाउन भली कठोर निष्पत्ति न नेबाकू प्रधानमंत्री कहिछंती तेणु राज्य सरकार कोरोना नियंत्रण पाई व्यवस्था करने लोक जीविका और अर्थनीति को समान गुरुत्व देवा दरकार बोली बीजेपी कहिछि किंतु राज्यर बीजेडी सरकार अर्थनीति किंबा लोकों जीविका को गुरुत्व देउनथिबा कहिछन्ति बीजेपी साधारण संपादक लेखाश्री सामंत सिंहर सेबड़े कांग्रेस कहिबा कथा प्रथमे जीवन रक्षा पाई पदक्षेप नेबा सह अर्थनीति को किभली सजाड़ी हेबो ता उपरे से पदक्षेप नियाजिबा दरकार एथिपाई ही कहिथिले कारण थरे जदि कल कारखाना इकोनोमी बंद हो जाए पुणी ताको रिस्टार्ट करिया पाई कि खर्च द्विगुणित हो जाए आउ से स्वाभाविक परिस्थिति रुहे नाई लोक मानकर जीवन जीविका भी नष्ट हुए माइग्रेशन ये सब कथा इंटरलिंक्ड रही सेथिपाई कि लॉकडाउन लास्ट ऑप्शन बोली कह जाइछि आउ केन्द्र सरकार भी बाट देखते जे सरकारी ऑफिस खोला रहू कम लोक नहींक्र कल कारखाना भी संपूर्ण भाव में शटडाउन न हो अल्प लोक नहीं कोविड्र कटक मानिकी कार्यक्षम रखा जाऊ किंतु ओडिशा जो क्षति होशार कौटी युद्धकालीन भित्ति सरकार केमी काउंटर कर आखि को देखा जाऊना आम देखिपारून से इट इज नॉट विजिबल क्षति आसे आग आम जीवन बचुए आमे सचेतन हो आमको बचाक दि मोदी तमे जंदा आदाय कर दुनिया बांटुच दुनिया खर्च करतुरे आम जीवन बचाप बंद हो गला कौन है सटडाउन लॉकडाउन आमे सचेतन होम जीवन को बचाप शांति प्रतिष्ठा करने डेवलपमेंट कोरोनार प्रथम लहरें राज्य तथा राज्यवासी अर्थनीति उपरे शक्त माड़ होता बेले एजाए सुधार आसेनी एभली स्थिति रे द्वितीय लहर जो उपजुवा अवस्था चिंता बढ़ाई भुवनेश्वर सरोज मल्लिकों रिपोर्ट एमबीसी न्यूज आसंता काली स्वर्गदर पुरी जिला बाहर लोकों पर बंद दिनक दिन राज्य में कोविड आक्रांतों संख्या वृद्धि पाता बेले पुरी जिला प्रशासन पक्ष एभली पदक्षेप एने विधिवद्ध भाव प्रशासन पक्ष निष्पत्ति पुरी को अधिक रु अधिक शव सत्कार विभिन्न जिलूर आसुवा बेले कोविड व्यापार आशंका रही तेणु यह दृष्टि रखी एभली व्यवस्था ने प्रशासन बाध्य कोविड रोगी शव सत्कार स्वतंत्र व्यवस्था करस्थि विसर्जन कटक लग जा विशेषकर महोदधी में अस्थि विसर्जन और श्राद्ध करने विभिन्न जिलूर लोक आसुंच तेणु प्रशासन पक्षर यह पदक्षेप नि प्रशासन तरफ जिला बाहर जो मैंने डेड बड़ी बर्तमान हूँ स्वर्गद्वार को बारण करवल जिला भितर जो मैंने कोविड नेगेटिव थे से मैंने ही केवल किसी दाह करेंगे यह छड़ा महोदी में जो मैंने हूँ श्राद्ध करने आसती हूँ जिला बाहर स्टेट बाहर समस्त मना कर समस्त जिला बाहर समस्त बर्तमान मना कर फर्दर जिते बी आम एलाउ करते जिनस कोविड स्थिति बहुत रैपिडली हूँ आम इनक्रीजिंग ट्रेन रेटी आम बढ़ी चलती जदि आम स्वर्गता स्टेप निपाय देखिए मंदिर को हूँ बंद कर टिल मे 15 पर्यंत स्वर्गत बाहर लोकपाई डेट टेस्ट हूँ घटना कर आसंता काली जो पब्लिक गैदरिंग जो मेजर प्लेसेस रोचे आमर पार्क कहतु से मुजमेंट पार्क कहतु से आसंता काली बंद कर कोरोनार मुकाबला लगी राज्य में लागू सटडाउन आज द्वितीय दिन सारा राज्य में सहरांचल सटडाउन सरकार का कड़ा निर्देश क्रमे खोलानी दुकान बजार सबुटी निस्तब्धता संकट बढ़ुवा जो सटडाउन पदक्षेप नहीं सरकार गत काल आज बंद हो राज्य जिला और पुलिस प्रशासन पक्ष कड़ा सतर्कता जो जनजीवन हो ठप कोरोना विरोध में बड़ पदक्षेप गत काल सटडाउन प्रथम दिन में बंद था राज्य आज द्वितीय दिन में भी ठप हो जनजीवन अत्यावश्यक सेवा को छाड़देले मोटामोटी बंद रही सहरांचल खोलानी दुकान बजार जनजीवन ठप कटक सहर सप्ताहांत सटडाउन प्रभाव देखा
ସଟ୍ଡାଉନ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ସୁନସାନ ହୋଇପଡ଼ିଛି କଟକ ସହରର ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାଘାଟ। ସହରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପୋଲିସ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ଲୋକଙ୍କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ର ନିୟମକୁ ପାଳନ ନ କରି ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଅମାନିଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଜୟସର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଜାରି ହୋଇଛି କଟକଣା। ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ଚାଲିଛି ଚେକିଂ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଟିଏମ୍ସି କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯାଇଛି। ସେହିପରି ମାଲକାନଗିରିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସଟ୍ଡାଉନ୍ର ପ୍ରଭାବ। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ। ବନ୍ଦ ରହିଛି ଦୋକାନ ବଜାର। ସଟ୍ଡାଉନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଦିନ କାଳ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଶନିବାର ରବିବାର ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଚାଲିଛି। ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ବଜାର ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଲୋକ ଚାଲିଚଳନ ବି ପୁରା ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆମର ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋର୍ ଆଉ କ୍ଷୀର ଦୋକାନ ଏସବୁ ଖୋଲା ରହିଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ବି ଖୋଲା ରହିଛି। ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପମ୍ପ ଖୋଲା ରହିଛି। ତା ବାଦରେ ବି ଆମେ ଯେଉଁ ଏଠି କରୁଛୁ ଷ୍ଟେସନ୍ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଯେଉଁ ଷ୍ଟେସନ୍ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଛି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ରୁ ଯାଇକି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରୁଛୁ ଯେ ଆସୁଛନ୍ତି ରିଟର୍ନ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରଖିଛୁ। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ରେଡ଼ି ହୋଇକି ଅଛି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ନେଇକି ଆସୁଛୁ। ସଟ୍ଡାଉନ୍ର ପ୍ରଭାବ ଦେବଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବସ୍ ଓ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଦୋକାନ ବଜାର ଦୈନିକ ପରିବା ମାର୍କେଟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଛି। କ୍ଷୀର ଦୋକାନ ଓ ଔଷଧ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଗ୍ରାହକ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ରହିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଦୁଇ ସେକ୍ସନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମୁତୟନ ହେବା ସହ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଛି ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍। କୋଣାର୍କରେ ପଡ଼ିଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବ। ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାଘାଟ ରହିଛି ଖାଁ ଖାଁ। ଅମାନିଆଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବା ସହ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଦୁଇଦିନିଆ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଆଉ ଏ ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ ଆମେ ସହରର ଯେତିକି ବିଭିନ୍ନ ମେନ୍ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ପୋଲିସ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇଛୁ। ତଥା ଆମର ଯେଉଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ରହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ମେଡ଼ିସିନ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁଡ଼ସ କ୍ୟାରିୟର ଯେଉଁ ଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ସ୍ମୁଥ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ରହିବ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆଗେ ଏନ୍ସିଓର କରୁଛୁ ଯେମିତି ସେମାନେ ପୋଲିସ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ଅମାନିଆମାନେ ଆସି ମାନୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଚାଷ କରୁଛୁ ସେଠାରେ ଆମେ ବଢୁଛି ସଂକ୍ରମଣ। ସେପଟେ ଚାଲିଛି ସଟ୍ଡାଉନ୍। କରୋନା ବିରୋଧୀ ମହା ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଏମ୍ବିସି ନ୍ୟୁଜ୍। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବେକାବୁ କରୋନା ଲକ୍ଡାଉନ୍କୁ ଆଉ ସପ୍ତାହେ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ। ମେ 3 ଯାଏ ଜାରି ରହିବ କଟକଣା। ପୂର୍ବରୁ ଏପ୍ରିଲ 26 ଯାଏ ଘୋଷିତ ଲକ୍ଡାଉନ୍ର ଅବଧିକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପଜିଟିଭ୍ ହାର ସବୁବେଳେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଦିଲ୍ଲୀରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 24,000 ପାର ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 357ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 10,04,782 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି 13,998 ଜଣ। में कोरोना का कहर जारी है। बहुत ज़्यादा कोरोना बढ़ गया है और उसी के मद्देनज़र पिछले हफ्ते हम लोगों ने 6 दिन का लॉकडाउन लगाया था जो कि कल सुबह 5 बजे ख़त्म हो रहा है। जिस तरह से तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर उसको देखते हुए ये लॉकडाउन लगाना बहुत ज़रूरी हो गया था। ये एक तरह से आखिरी हथियार है कोरोना के से डील करने के लिए। लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़ रहे थे ये आखिरी हथियार इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया था। लेकिन अभी भी कोरोना का कहर जारी है और कोरोना कम नहीं हो रहा। तो इसीलिए उसके मद्देनज़र कई लोगों के भी जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की सबका मत यही है कि लॉकडाउन को भी और बढ़ाना चाहिए। तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए। ରାଜ୍ୟରେ ଥବୁନି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଚୋରାଚାଳନ ରାକେଟ୍। 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ ବାଘଛାଳ ସହ 2 ହାତୀଦାନ୍ତ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ନୟାଗଡ଼ କିମ୍ବା ଆଖପାଖ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରି ଚୋରାଚାଳନ କରାଯାଉଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ ନିରୀହ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଚାଲାଣ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାହକ ବେଶରେ ପୋଲିସ, ଡିଲ୍ ବେଳେ 2 ମିଡିଲମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ମାରି ବସିଲା ଏସ୍ଟିଏଫ୍।
जबतला बाघ छाल और हाथी दांत बालिखोली हाथी दांत बाहर कला पुलिस एभली किसी अभिनव उपाय दुईजन वन्यप्राणी चोराचरणकारी को गिरफ्त कर क्राइम ब्रांच स्पेशल टास्क फोर्स गिरफ अभियुक्त माने हेले रमेश पतिहारी और बिंबाधर तराई सेमान गोटे बाघ छाल सह दुईट हाथी दांत जबत कर तेब नयगढ़ कि आखपाख जंगल प्राणी मान शिकार कर चोराचरण कर अनुमान कर नहीं सीटा तो इन्वेस्टिगेशन रु जाना पड़ो से बाघटा को कमी कराईपर आम एक्जिबिट डब्ल्यू आई ए को पठेबू से जना पड़ी मराई विशेषकर लॉकडाउन समय राज्य में सक्रिय होती वन्यप्राणी स्मगलिंग गैंग गुड़ कि जाल बसई शिकार कर शिकारी बर्तमान अनेक लोक चोराचरण घटन गिरफ्त कर बर्तमान सुधा शिकार में व्यवहृत अस्त्र को एसटीएफ जबत करिबारे विफल होछि अन्यपटे दीर्घ दिन धरी सरकार पक्षर वन्य प्राणी आरंभ होता स्पेशल ट्रैकिंग फोर्स रु कार्यकारी करने दावी करणी विशेषज्ञ प्रोब्लेम होने विभाग में बर्तमान आक्यूट सर्टेज अफ स्टाफ बहुत अभाव तलिया कर्मचारी बेस आम दिनक दिन सीना कंजरे भेटर संख्या बढ़ीगला सीना कंजरवेशन कि कमीगला ऊपर लेवल सब पोस्ट अधिक लोक अच्छा तल लेवल फिल्ड में गार्ड आउ फरेस्टर ये दुटा कीप पोस्ट ये पोस्ट एत मैं संख्यक पोस्ट खाली अच्छी तो सही बड़ा समस्या होटा को ध्यान देवा दरकार आउ बड़ प्रश्न हूँ 2008 मसीह माननीय मुख्यमंत्री अफिस रु प्रेस रिलीज जारी कराइला से गोटे स्पेशल ट्रैकिंग फोर्स करेंगे स्पेशल ट्रैकिंग फोर्स करेंगे जोटा कि 50 जगार मुतयन रोज गाड़ी दिजाव अलग स्टाफ दिजाव आराम से नामेसन दिजाव राज्य में बर्तमान सक्रिय होती वन्य प्राणी स्मगलिंग गैंग एवं आज एसटीएफ हाथ में धरा पड़ी जिते बड़े स्मगलींग होता से दुईज व्यवसायी को धरी दुईट हाथी दात और गोटे कलरा पतरिया बाघ छाल जबत कर नयागढ़ गणिया अंचल जबत कर वर्षक मध्य वन्यप्राणी चोरा चलाण घटन 27 जन अभियुक्त को गिरफ्त कर एसटीएफ एथसह 13 बाघ छाल 9 हाथी दांत 2 हरिण छाल 3 बज्रकाप्ता सह 5 केजी बज्रकाप्ता काठी जबत कर क्राइम ब्रांच स्पेशल टास्क फोर्स भुवनेश्वर वीडियो जर्नलिस्ट पंकज सुभाष प्रधान एनबीसी न्यूज बालेश्वर कोविड परिस्थिति नहीं डीजीपी अभयों समीक्षा अभय पूर्वांचल पुलिस मुख्य कार्यालय में पहुंचा पर सहरांचल वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कोरोना स्थिति उपरे समीक्षा करते बालेश्वर मयूरभंज पुलिस भल कम कर समीक्षार अवगत होते उभय जिले में लोकने सचेतन अच्छा स्थिति सतोषजनक रही बालेश्वर 7 प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन होता बेले 4 प्लाटून मयूरभंज में मुतयन होती बालेश्वर दायित्व में 27 अफिसर अच्छा मयूरभंज और बालेश्वर जिलार सीमार कड़ाकड़ी जांच कर बालेश्वर एवं मयूरभंज जिलार कोविड इनफोर्समेंट रिव्यू होती एवं पर्यंत कोविड इनफोर्समेंट सटिस्फैक्टरी अच्छी दुई जिले में पुलिस भल कम कर दुई जिले लोक खूब भल साय करपाई मु बालेश्वर एवं मयूरभंज जिलार जनसाधारण को धन्यवाद जनाऊँ पुनी तक से निवेदन करुच्छी कि ये कोविड कटकणा को पूरा खूब भल करके पालन करूँ वेस्ट बेंगल बॉर्डर उपर दुईटा मेन आम लक्ष्मणनाथ आउ उदयपुर बालेश्वर रे ता छड़ा जामसोड़ा आउ चक्सुलियापदारे आमर बॉर्डर चेक्स को इंटेनसीफाई कराई या छड़ा 32 पोस्ट मयूरभंज आउ 28 डिफरेंट पोस्ट इन बालेश्वर ऑन वेस्ट बेंगल बॉर्डर कोरोना आक्रांत होवापर आरोग्य लाभ करक्तों लगी किसी टीप्स किसी गुरुत्वपूर्ण प्रचेषा अभ्यास जरिया कोरोना विरोध में करें संग्राम सामर्थ्य मुताबक योगासन प्राणायाम ध्यान आदि करने हम सर्वदा मास्क शारीरिक दूरता बजाय रखा हम सब मर्निंग और इवनिंग वाक करने सतेज खाद्य खावा पड़ा धूमपान और मद्यपान ठू संपूर्ण भाव दूरे रे पर्याप्त समय शुंतु और विश्राम नियंतु प्रत्येक दिन शरीर तापमात्रा रक्तचाप और डायबिटीस मॉनिटरिंग करने को पड़ो रोग प्रतिरोधक शक्ति वृद्धि आयुष चिकित्सकों परामर्श क्रमे मेडिसिन पारे उषुम क्षीर सहित अध चामच हलदी पक सका और सन्धार पीले शरीर आरोग्य रलदी कि लुण पा को कूड़ी करेंगे डाक्टर परामर्श अनुजाई दिनक थे चवनप्राश खाई
बौद्ध हरभंगा ब्लक कंटियापदर ग्राम से भयावह अग्निकाण्ड अग्निकाण्ड में ग्रामर अनंत भोक्ता एवं सनत भोक्ता समस्त आवासपत्र पोड़ संपूर्ण नष्ट हो जाएगी। तेज कौन कारण बाड़ी में पाड़गतारे निआ लगी घर को माड़ जाता बेले निआ लग जा गाँव लोके आयत्त करने को चेषा करते तेज दमकल बाहन पहुंची निआ को आयत्त करते दुईट पर बासगृह समेत घर समस्त आवासपत्र पोड़ पाउश हो जाता तेज दुई अग्नि विपन्न पर सरकारी सहायता जगह देवाक ग्रामवासी दावी कर समय सरची नष्ट 7:28 रखुचु नमस्कार।